बावलोग, फ्रॉम सीजन 3 में मजा आ रहा है या नहीं? अगर तुम कहोगे नहीं तो मैं तुमसे कहूंगा हैव पेशेंस, सोच भी नहीं सकते आप। ऐसी जबरदस्त प्लॉटिंग हो रही है आगे इस शो के लिए। आज एल्जिन के पार्ट के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर स्टोरी प्लॉट को डिकोड करने में हेल्प कर सकता है, जिसमें एपिसोड 7 के प्रोमो की भी मदद लगेगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि आई गारंटीड इस वीडियो से आपको फ्रॉम की स्टोरी समझने में हेल्प जरूर मिलेगी, डेफिनेटली। शुरू करते हैं, लेकिन सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरी आपके लिए बार बार लाते रहूंगा। बालोग, एल्जिन का पार्ट बहुत सॉलिड होने वाला है। इस कैरेक्टर का पार्ट बहुत सी की प्लॉट पर डायरेक्ट कनेक्ट करता है स्टोरी को आगे बूस्ट करने के लिए, इसी के साथ साथ स्टोरी को डिकोड करने के लिए भी। जहां हमें अभी तक एल्जिन के पार्ट में वो किमिनो वुमन का बार बार उससे हेल्प मांगना ही दिख रहा है, और प्रोमो में अपने न्यू कैमरा के फुटेज डायरेक्शन की मदद से ये उस सेलर के बेसमेंट तक भी पहुंचता दिख रहा है, जहां विक्टर जा चुका है, जेड भी जा चुका है, एंड जूली भी जा चुकी है। नाउ कम टू द ओरिजिन ऑफ एल्जिन कैरेक्टर। जब ये बंदा इस टाउन में एंट्री कर रहा था, तब बस में बैठा ये पैनिक होने लगा इस जगह को देखकर, जैसे इस जगह के बारे में ये जानता ही हो। इसी के साथ साथ ये जो बुड्ढी है, जिसका नाम टिली भी है, ऐसा लुक देती है जैसे ये भी इस जगह को जानती हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब टिली एल्जिन के आसपास होती है तो ये किमिनो वुमन इसके आसपास ही हमें देखने को मिलती है, जो हम देख भी रहे हैं एपिसोड्स में। चलो एक सेकेंड के लिए एल्जिन पर पॉज लगाते हैं, बट ये टिली, ये बुड्ढी मेरे शक के दायरे में आ रही है एक नेगेटिव पार्ट को कैरी करने के लिए। कैसे? देखो, फातिमा के टाइम भी ये ट्रिगर कर रही है। जब सेकंड सीजन में हमने देखा टिली ने फातिमा को कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी प्रेगनेंसी के लिए, जबकि फातिमा ने किसी को भी नहीं बताया था, और टिली ये कहने लगी कि मैं शक्ल से ही पहचान सकती हूँ कि कौन प्रेग्नेंट है कौन नहीं, मैंने अपने नाती पोतों को भी पाला है। देन अगेन टिली जब फातिमा को वो रॉटन वेजीज खाते देखती है तो फातिमा को रोकने की जगह उसे कूल एंड काम करती है। दूसरा, फातिमा शायद प्रेगनेंसी वाली बात अपने दिमाग में ना बैठाती अगर टिली उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करती, जबकि वो प्रेगनेंट भी नहीं है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा जो सोची समझी चाल हो टिली की, जो एक टाइप से ये प्रेगनेंसी क्रेविंग का बहाना चिपका कर उसको ये कन्वर्ट करने पर बूस्टर दे रही हो, जो फातिमा को वो कार्ड वगैरह वाली बात से सिर्फ अंधकार में रखना चाह रही हो, और टिली इस किमिनो वुमेन एंड फातिमा के बारे में जानती हो, जो बार बार ट्राई करते दिखी एल्जिन को टिली से दूर लाकर मदद मांगने की, वो किमिनो वुमेन, और सेलर बेसमेंट तक लाने का भी राज ये हो सकता है उस किमिनो वुमेन का एल्जिन को, कि वो टिली से दूर हो जाए ताकि वो कुछ ऐसी सीक्रेटली बातें उससे रिवील कर जाए जो शायद उस टिली के सामने वो रिवील नहीं कर पा रही हो। मे बी पॉसिबल है। देखो, फातिमा, टिली एंड एल्जिन, इन तीनों का कनेक्शन तो है कुछ। बैक टू द एल्जिन पार्ट, यहाँ से कुछ ढूंढते हैं। देखो, पिछले सीजन में हमने देखा एल्जिन को भी इस जगह के ड्रीम आ चुके हैं, दैट्स वाई एल्जिन यहाँ एंट्री लेते ही सरप्राइज हुआ था। सेम ड्रीम्स बॉयड की बीवी को भी आते थे जब वो छोटी बच्ची थी, जस्ट लाइक टैबिथा। सेम इस टाउन में आने से पहले मिरांडा को भी यहाँ के ड्रीम आते थे, एंड मिरांडा डिक्लेयर दैट कि उसे चूज किया गया है उन फ्रीकी चिल्ड्रन की मदद करने के लिए, जो अब टैबिथा पे वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आते नजर आ रही है। तो ये ड्रीम कनेक्शन एल्जिन को स्पेशल तो बनाता है। दूसरा, मिरांडा को ड्रीम आया तो उसका टास्क वो चिल्ड्रंस की हेल्प करना था। सेम टैबिथा जिसे ये ड्रीम आ रहा है और वो भी कहीं ना कहीं उन फ्रीकी चिल्ड्रन की मदद करने के लिए चुनी गई ही दिख रही है। एंड एल्जिन को ड्रीम आ रहे हैं इस किमिनो वुमन की हेल्प करने के लिए। तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड अगर देखा जाए तो। देखो, एक बार के लिए इस वे में सोचें कि मे बी ये किमिनो वुमन इन फ्रीकी चिल्ड्रंस की मदर हो, जो एल्जिन से मदद मांग रही है इनको आजाद करने के लिए, या फिर ये हो सकता है कि ये कहीं ऐसी जगह या फिर ऐसे स्पेल में फंसी है जहां से ये उन चिल्ड्रंस की, अपने चिल्ड्रंस की मदद नहीं कर पा रही हो उनको आजाद होने के लिए, और एल्जिन का टास्क होगा इस किमिनो वुमन को आजाद करने का। मच ऑफ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये, लेकिन ये सब ठीक है एक पॉजिटिव वे में सोचें तब। लेकिन बाबा, आपको याद है कि किमिनो वुमन स्टार्टिंग में एल्जिन को मारने की कोशिश कर रही थी बात तब पर दुबाकर, वो आपने देखा ही होगा। देन अचानक ये मदद मांगना थोड़ा कंफ्यूज करता है, और इन सारे इवेंट्स के दौरान टिली आसपास ही है एल्जिन के, ये भी याद रखना। बट प्रोमो में हम देख रहे हैं कि एल्जिन उस बेसमेंट सेलर तक पहुंच चुका है। अगेन ये सोची समझी चाल नहीं लग रही एल्जिन को फंसाने की, ये कैमरा मिलना इतना आसानी से, देन इतनी आसानी से वो सब रास्ता दिखाना और सेलर बेसमेंट तक भी इतनी आसानी से पहुंच जाना। अगर इस बात को इस थ्योरी में सेट करें जहां ये सीजन की स्टार्टिंग में कहा गया था क्रिएचर्स के द्वारा कि बॉयड ये जगह तुम्हें ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही, जो टॉन्ट कसा जा रहा था, तो ये एक हिसाब से एल्जिन के लिए एक ट्रैप नहीं लग रहा, जो शायद किमिनो वुमन एल्जिन को कोई बलि का बकरा बनाए, मे बी पॉसिबल है, ताकि ये स्पेल और ज्यादा मजबूत हो जाए, ताकि ये जो और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन पे अड़चन आ जाए,
बहुत मच ऑफ पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल हमें किमिनो वुमन का यही पार्ट देखने को बार बार मिल रहा है, उसका हेल्प मांगना, बदले में तुम्हारी मैं मदद करूंगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ये भी कह रही है। तो फिलहाल अभी के लिए हम ये पॉजिटिव साइड ही लेकर चलते हैं किमिनो वुमन का। और ये किमिनो वुमन हेल्प का पार्ट भी डायरेक्ट अफेक्ट करेगा चिल्ड्रन को आज़ाद करने के लिए, और टाउन के लोगों को फंसाने का मेन पर्पस भी मुझे यही लग रहा है कि उन फ्रीकी चिल्ड्रंस को आज़ाद कराओ और तुम लोग भी अपने घर जाओ वापस, मतलब एक टास्क है ये शायद, हो सकता है। तो बाबा एल्जिन का दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट मैंने आपको बता दिया, अब एपिसोड 7 में देखते हैं एल्जिन को लेकर हमारी कौन सी थ्योरी सही होती है और कौन सी नहीं। लेकिन ये सब जो सॉल्यूशन का रास्ता निकल रहा है सब अड़चन बनते भी नजर नहीं आ रहा, वो रैंडल एंड जूली का दोबारा से उसी डंजन प्लेस में जाना देखकर, क्योंकि सॉल्यूशन के जस्ट करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। एक एल्जिन वाला पार्ट, उधर वो जेड एंड टैबिथा वाला पार्ट, एंड तीसरा वो जैस्पर एंड विक्टर वाला पार्ट, और इन सब की मेहनत फिर से पानी पानी जूली और रैंडल करने वाले हैं, क्योंकि हो ना हो उन क्रिएचर्स के होस्ट यही हैं, जैसे सीजन 2 में थे ये तीन होस्ट, वैसे ही इन पे दोबारा वो बातें नजर आ रही हैं। देखते हैं बाबा एपिसोड 7 में ये एल्जिन थ्योरी कितना हेल्प करती है। अच्छा, मेरी इस थ्योरी से कौन कौन सहमत है कि वो किमिनो वुमन एंड वो फ्रीकी चिल्ड्रंस का कुछ इंटरकनेक्शन हो, शायद मदर एंड चिल्ड्रन का कनेक्शन भी हो सकता है, जिन्हें विलिंगली इस टाउन में स्पेल करके रखा गया है। What is your thought? Share in the comment box. बाकी नेक्स्ट वीडियो में जेड टैबिथा एंड वो 3 रेड स्टोन्स एंड मिस्ट्री ऑफ नंबर 3 को भी डिकोड करेंगे। ये 3 डिजिट वाला जो नंबर है बाबा, ये एक पेयर बनाता है, क्योंकि 3 के पेयर में बहुत कुछ इस टाउन में होते नजर आ रहा है। तो इस पे भी एक बात करेंगे, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, शायद यहाँ से कुछ हमें मिल जाए। सो इफ यू आर न्यू हेयर देन बाबा सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक ईजिली पहुँच जाए। और बाकी लोग भी जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन क्लिक नहीं करा है, करो बाबा, क्योंकि मेरे पास फ्रॉम स्टोरी से रिलेटेड अभी बहुत बहुत डेटा है जो हम धीरे धीरे करके ऐसे ही रिवील करते रहेंगे, वैसी बातें करेंगे। बाकी आपके जो भी थॉट होते हैं नीचे कमेंट में उसे जरूर बता के जाना, इससे मुझे भी हेल्प मिलती है अपनी थ्योरी को थोड़ा सा डिकोड करने के लिए, और समटाइम वो बहुत ट्रिगर्ड पार्ट आ जाता है मेरे पास। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में उसे जरूर बता के जाना, यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।